जिंदगी में हर किसी को एक न एक बार प्यार जरूर होता है। जहां कुछ लोग पहली नजर में प्यार कर बैठते हैं, तो वहीं जानने समझने के बाद प्यार की गाड़ी को कुछ लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आप चाहे पहली नजर में इश्क करने वाले रहे हो या फिर दूसरी तरह के, लेकिन पहले प्यार का नाम सुनते ही मन में उस समय धुंधली तस्वीर हर एक शख्स की नजरों के सामने साफ हो जाती है। ऐसे में बॉलीवुड की उन 5 अभिनेत्रियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने फेमस होते ही अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, अपने प्यार को कामयाबी के आगे ठुकरा दिया। सबसे पहले बात करेंगे आलिया और अली की। बात करें आलिया की, तो अभी ये रणबीर कपूर को डेट कर रही हैं और हो सकता है जल्द ही उनके साथ शादी भी कर ले। लेकिन आलिया भट्ट का पहला प्यार रणबीर नहीं बल्कि अली थे। आलिया भट्ट और अली बचपन के दोस्त थे। जहां आलिया के बॉलीवुड डेब्यू से पहले दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आलिया ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काम करना शुरू किया, वैसे ही दोनों के रिश्ते में दूरियां आना शुरू हो गई, क्योंकि शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। अली को बात समझाने के बजाय आलिया ने दोनों का रिश्ता खत्म करना बेहतर समझा और अली से बना ली दूरियां। दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस की और असीम मर्चेंट की। ये कहानी तब की है जब प्रियंका सिर्फ चोपड़ा हुआ करती थी। असीम मर्चेंट को उन्होंने डेट किया था, लेकिन मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका ने असीम मर्चेंट के साथ ऐसी दूरी बनाई जैसे मानो कभी असीम को जानती ही नहीं थी। प्रियंका का नाम बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बाद कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने शादी की विदेश के एक्टर सिंगर निक जोनस से। आज की तारीख में प्रियंका देश विदेश में खूब नाम कमा रही है और निक के साथ काफी खुश है। दीपिका पादुकोण और निहार पांड्या, आज के समय में ये दोनों ही शादीशुदा हैं और अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ काफी खुश भी। लेकिन एक जमाने में इन दोनों के प्यार की चर्चाएं भी खूब रहीं। दरअसल बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले दीपिका पादुकोण मॉडलिंग किया करती थी। उस समय दीपिका पादुकोण की मुलाकात निहार पांड्या से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन जैसे ही दीपिका को ओम शांति ओम फिल्म के लिए साइन किया गया, वैसे ही दीपिका ने निहार से ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद दीपिका का नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा, लेकिन आखिर में उन्होंने रणवीर सिंह का हाथ थामा और उनसे शादी कर ली। वहीं दूसरी ओर निहार ने शानदार सिंगर नीति मोहन के साथ साथ फेरे लिए। अनुष्का शर्मा और जोहेब यूसुफ, बॉलीवुड में पहली ही फिल्म में किंग खान के साथ नजर आने वाली अनुष्का शर्मा ने सलमान के साथ भी फिल्मों में काम किया। हाल ही में अनुष्का ने एक बेटी को जन्म दिया है। विराट से पहले अनुष्का का नाम रणवीर सिंह के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन उससे भी पहले अनुष्का जोहेब के साथ रिलेशनशिप में थी। बता दे, दोनों स्ट्रगल के दिनों में एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन मुंबई आने के बाद अनुष्का को तो कामयाबी मिल गई और कामयाबी की राह पर चलने के बाद वो अपने प्यार को वहीं भूलकर आगे बढ़ गई। ऐश्वर्या राय और राजीव मूलचंदानी, सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन सलमान से पहले ऐश्वर्या राय का प्यार मशहूर मॉडल राजीव मूलचंदानी थे। इन दोनों की प्रेम कहानी की चर्चाएं अखबारों के पन्नों पर रहा करती थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, जिसके पीछे की वजह ऐश का फिल्मों में आना और राजीव का मॉडलिंग करियर में बस उसी मुकाम पर रह जाना जाना जाता है। हम सफर के साथ रिश्ते उस वक्त बिगड़ते हैं जब दोनों के बीच इनसिक्योरिटीज आने लगती हैं। ऐसे में दोनों ही लोगों को एक दूसरे से दूर जाने के बजाय अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि रिश्ते को गहरा बनाकर उसे नाम दिया जा सके। ऐसे में इन एक्ट्रेस के पहले प्यार को धोखा दिए जाने वाली बात पर आप क्या कहना चाहेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हिंदनाओं को सब्सक्राइब करके रोजाना आपके इंटरेस्ट से जुड़ी खबरें देखें।